हरिओम मित्रों, पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का एक बच्चे के साथ बहुत गलत और झूठा वीडियो प्रसारित करने वाले पत्रकारों के खिलाफ पॉक्सो की धारा लगी है और गुरुग्राम के न्यायालय में वे बेचारे चक्रे काट रहे हैं। हर महीने तारीख पर पेश होना पड़ता है उनको, ये सब आप जानते हैं। आज 24 अगस्त को भी पेशी थी उनकी। आज क्या हुआ अभी हम आपको यहाँ कुछ वीडियो क्लिप दिखाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको, प्रभु देखिएगा। कल मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था जो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। उस वीडियो में हमने दीपक को सलाह दी थी कि आप आज 24 अगस्त की पेशी में साड़ी पहनकर आना, ताकि आपको कोई पहचान ना पाए, क्योंकि जून में स्थानीय पत्रकारों के सवालों से घबरा कर मुँह छिपा कर भाग रहे थे और फिर जुलाई में हार्ट अटैक आ गया था दीपक को। पर क्योंकि मैंने यूट्यूब वीडियो से जाहिर में सलाह दे दी थी दीपक को, इसीलिए वे साड़ी पहनकर नहीं आ पाए। उन्हें डर था कि मानव जी के वीडियो की वजह से अब सब मुझे साड़ी में भी पहचान ही लेंगे। तो आज वे कैसे आए और कैसे भागे, कैसे बोलती बंद थी उनकी स्थानीय सज्जन पत्रकारों के सामने, देखिए आज 24 अगस्त की उनकी ये झलकिया। फिर दूसरे वीडियो में आपको और देंगे कुछ ज़रूरी जानकारी केस के बारे में और दिखाएंगे अन्य पत्रकारों को भी भागते हुए दौड़ते हुए घबराते हुए। करने का फल तो सबको भुगतना ही पड़ेगा। एक निर्दोष और महान संत के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, उसमें आप सब सम्मिलित हुए हो उस अत्याचार में, तो भुगतना तो पड़ेगा। देखिए सारी जनता जानती है। बड़ा मुजरिम है ये, देख लो, बहुत बड़ा मुजरिम। 9 साल की लड़की को जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं दीपक चौरसिया। 9 साल की लड़की को जिंदगी बर्बाद करने वाली दीपक चौरसिया का शकल देख लो। अभी बोलती बंद है, अभी नहीं बोलेंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। शाबाश शाबाश दीपक जी, शाबाश, आपको इनाम मिलना चाहिए। ये देखो दीपक चौरसिया है, 9 साल की लड़की को जिंदगी बर्बाद करने वाली, 9 साल की लड़की को जिंदगी बर्बाद करने वाली दीपक चौरसिया को देख लो गुड़गांव कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं लोग। 9 साल की लड़की को जिंदगी